पालक मंत्री नितिन राउत इनके मार्गदर्शन में रोजगार और स्वयं रोजगार उपक्रम द्वारा केपी फूड के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार मिले, इसलिए इस कंपनी की स्थापना की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाना है। कोरोना महामारी के चलते कई लोगों के रोजगार बंद हुए हैं, कई लोग बेरोजगार हुए। इसे देखते हुए रोजगार और स्वयं रोजगार उपक्रम समारोह का आयोजन किया गया, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिले इसी उद्देश्य से केपी फूड कंपनी की स्थापना की गई है। आज हमने जो केपी फूड के माध्यम से जो हमने ये कारखाना स्टार्ट किया, इसमें जो कोरोना महामारी से जो लोग बेरोजगार हो गए, तो हम लोगों ने सोचा कि हमने नितिन राउत जी के मार्गदर्शन में कंपनी की स्थापना की है और इसके मार्गदर्शन में मतलब इस कंपनी के माध्यम से हम लोग है ना कुछ गरीब लोगों को रोजगार देने की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे फिलहाल 20 वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं और आने वाले समय में जैसे ही काम बढ़ता है तो हम और भी कुछ जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को हम लोग ये करेंगे। और ये कंपनी का मेन जो है, इससे जो भी फंड या पैसा जो हमारे हम लोग कमाएंगे, उससे हम लोग आने वाले समय में एक अनाथ आश्रम और एक सरकारी स्कूल की हमारी एक सोच है जो हमारे पार्टनर से हम लोग ने सबने मिलकर किया है और नितिन राउत जी के मार्गदर्शन में हमने ये पूरा काम स्टार्ट किया है। और हमारी सोच है कि आने वाले समय में हम जहाँ तक हो सके लोगों की मदद करें और लोगों की मदद करते रहें।